आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन, इसके अंतर्गत डिफरेंशिएटिंग ऑफ इनवर्स सेप्टर फंक्शन यानी प्रतिलोम व्युत्पत्ति फलनों का अवकलन करना देखेंगे, कैसे इसका अवकलन किया जाता है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ फार्मूलों को देख रहे हैं। इसका जो पहला फार्मूला है इसमें वो है डी अपन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसके बाद जो वैल्यू होती है रू वन अपन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो सेकंड फार्मूला है वो यहाँ पास है डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर टू माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा जो इसका फार्मूला है वो है इसमें डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है इसका डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स की बराबर होती वैल्यू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स ये बराबर होता है इसमें वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। नेक्स्ट इसका है डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स ये बराबर होता है माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम लोग इस पर बेस कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 7C से लिया है। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है इसमें साइन इनवर्स टू एक्स, इसका हमको डी वाई बाई डी यानी इसका हमको डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे साइन इनवर्स टू एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है, इसको फर्स्ट हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे उसके रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यदि इसको पूरे एक्स माना जाए तो ये वैल्यू होगी जो होता है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स टू एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पूरी वैल्यू आ जाएगी यानी ये फोर एक्स स्क्वायर वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी। इसके अलावा टू एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा यानी डी अपॉन डी एक्स टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू एक्स अपॉन रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी में एक 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पूरी वैल्यू आएगी यानी एक्स की पावर ये का होल स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर फोर इंटू टू एक्स या टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर ये वैल्यू आ जाएगी। एक 31st नंबर इसमें क्वेश्चन है e की पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स को देखेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दो फंक्शन है तो e की पावर ए एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स बी एक्स प्लस साइन इनवर्स बी एक्स डी अपॉन डी एक्स e की पावर ए एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर ए एक्स, इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन रूट वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पूरी वैल्यू आएगी माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस साइन इनवर्स बी एक्स ई पावर एक्स हो जाएगा e की पावर ए एक्स और
ए एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो हो जाएगा ई की पावर ए एक्स बी एक्स अपान रूट वन माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पास ए एक्स का ए हो जाएगा तो मतलब यहाँ लिखेंगे इसको ए ई की पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से इनका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है।